नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन नव भारती स्टडी सर्किल में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। संधि जो हमारी चल रही है, उस संधि प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए हमने स्वर संधि के तीनों भेद, पांचों भेदों के बारे में पढ़ा। स्वर संधि के बाद में हमने व्यंजन संधि शुरू करी। व्यंजन संधि के तीन नियम हम पढ़ चुके हैं, चौथा नियम आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम नंबर चार क्या कहता है? नियम नंबर चार कहता है कि विग्रह से पहले सम तथा बाद में क्री धातु से बना शब्द आ जाए तो विग्रह के स्थान पर हम दंत्य स कर देते हैं। दंत्य स, मूर्धन्य ष और तालव्य ष तीन च माने जाते हैं। श श स, जिसे हम श से शलगम, श से षटकोण और स से सपेरा कहते हैं। तीनों का उच्चारण स्थान अलग है, उन्हें उच्चारण स्थल के नाम के आधार पर ही जाना जाता है। जैसे दंत्य से कौन सा होता है? स, सपेरे वाला स, ठीक है। तो यदि विग्रह से पहले सम आ जाए, विग्रह के बाद में क्री धातु से बना कोई शब्द आ जाए तो विग्रह के स्थान पर दंत्य स हो जाता है, ठीक है। जैसे समधनकृत यहाँ दिया हुआ है, तो समधनकृत क्या करना है आपको? जहां विग्रह है, विग्रह के स्थान पर आपको क्या करना है? दंत्य से करना है। लेकिन आपके पास जो ये म है, इसका आप क्या करोगे? इसे आप अनुस्वार में परिवर्तित कर दोगे। हमने नियम नंबर तीन में ये पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? संस म अनुस्वार में परिवर्तित हुआ और विग्रह के स्थान पर क्या आ गया हमारा? दंत्य स, क्योंकि ये आधा स ही आएगा, आधा स यानी स्वर रहित स ही आएगा। फिर है समधन कृति, तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम, इस विसर्ग को दंत्य स में बदलेंगे और म को अनुस्वार में बदलेंगे। संस्कृति क्या हो गया? संस्कृति। फिर देखिए समधनकार, वही म का हम अनुस्वार करेंगे और विग्रह की जगह आधा स लिख देंगे, क्या हो गया? संस्कार। फिर है समधनकरण, करण करता। यहाँ पे जो आप क वाले शब्द देख रहे हैं, ये सभी क्री धातु से निर्मित है और क्री धातु से निर्मित जो शब्द होते हैं विग्रह के बाद और विग्रह से पहले सम आ जाता है तो विग्रह के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? दंत्य स। अब यहाँ पर जो समधनकरण दिया हुआ है, समधनकरण को आप क्या करेंगे? म को अनुस्वार में परिवर्तित करेंगे और विग्रह की जगह आधा स लिखेंगे, तो क्या हो गया ये? संस्करण। क्या हो गया? संस्करण। फिर देखिए समधन करता, तो क्या हो गया ये? संस्करता। एक चीज और ध्यान दीजिए बच्चों, कर्ता शब्द जो कई बार लिखते हैं वो कर्ता शब्द में एक ही त आता है। कई बार इसे ऐसे बच्चे लिखते हैं जो कि अशुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। हमें अशुद्ध नहीं लिखना है, हमें शुद्ध लिखना है। व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध लिखने पढ़ने का तरीका है, ढंग है। हमें अगर भाषा को शुद्ध लिखना है, पढ़ना है या हमें भाषा को शुद्ध बोलना है, बोलने के लिए तो आप कैसे भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, बोलने के ऊपर आप कोई पाबंदी नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि जहां तक हो हम शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास करें, ठीक है। तो कर्ता शब्द में एक ही त आता है, डबल त नहीं आता। यदि आप डबल त लिखते हैं तो वो शब्द गलत होता है, अशुद्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया ये? संस्कर्ता। फिर देखिए समधन कारक क्या हो गया? संस्कारक, ठीक है। ये था हमारा चौथा नियम। चलते हैं अगले नियम की ओर, नियम नंबर पांच। नेक्स्ट नियम हमारा नियम नंबर पांच कहता है कि विग्रह से पहले यदि परी शब्द तथा विग्रह के बाद में वही क्री धातु से बने शब्द होते हैं तो विग्रह के स्थान पर हम दंत्य से की जगह मूर्धन्य ष लगाते थे। पहले वाले नियम में हमने दंत्य से लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि वहां विग्रह से पहले सम था और विग्रह के बाद क्री धातु से बने शब्द थे। अब हमें क्या करना है? यदि विग्रह से पहले हमें परी शब्द मिलता है और विग्रह के बाद में क्री धातु से बने शब्द होते हैं तो हमें विग्रह के स्थान पर मूर्धन्य ष लगाना है। कौन सा ष लगाना है? हमें मूर्धन्य ष लगाना है। जैसे परिधनकार क्या हुआ? हमें परी तो ऐसे कैसे लिखना है और विग्रह के स्थान पर क्या आ जाएगा? मूर्धन्य ष और कार। मूर्धन्य ष आधा है, मूर्धन्य ष आधा है। फिर देखिए परिधनकृत, तो हमें विग्रह के स्थान पर क्या करना है? मूर्धन्य ष लगाना है। तो हमारा क्या हो गया शब्द? परिष्कृत। क्या हुआ? परिष्कृत। फिर देखिए परिधनकरण, तो हमें वही करना है,
विग्रह के स्थान पर हमें मूर्धन्य ष लगाना है, क्या हो गया? परिष्करण। फिर देखिए परिधन कृति, हमें वही कार्य करना है, विग्रह के स्थान पर हमें मूर्धन्य ष लगाना है। फिर परिधन करता, तो हो गया परिष्करता। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है मूर्धन्य ष दंत ष क्या होता है, तो ये देखिए, ये हमारा तालव्य ष होता है। तालव्य ष क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा है वो तालु को स्पर्श करती है, इसीलिए इसे तालव्य ष कहा जाता है। ये हमारा मूर्धन्य ष होता है, इसे मूर्धन्य ष क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमारी जीवा जो होती है वो हमारी मूर्धा को स्पर्श करती है। मूर्धा हमारे जो मुंह में कठोर वाला हिस्सा होता है, ऊपर का ऊपर वाला हिस्सा, वो क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मूर्धन्य ष। फिर ये स, इसको उच्चारण करते समय हमारी जीवा जो होती है हमारे दांतों को स्पर्श करती है, इसीलिए इसे दंत्य स कहा जाता है। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको? तो ये हमारा पांचवा नियम क्या था, यदि विग्रह से पहले हमें परि शब्द मिल जाए और विग्रह के बाद में वही क्री धातु से बने शब्द हो, तो विग्रह के स्थान पर मूर्धन्य ष का आगम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नियम देखिए। अगला नियम है हमारा, यदि नियम नंबर 6, विग्रह से पहले रि इ श र हो तो, और बाद में न हो तो न को ण में बदल देते हैं। तो न को ण में बदल देते हैं, ट वर्ग का पंचम अक्षर जो होता है न, उसमें परिवर्तित कर देते हैं। कब परिवर्तित करते हैं? जब विग्रह से पहले रि इ श या र हो, विग्रह से पहले रि इ श र हो तो, और विग्रह के बाद में यदि न हो तो, त वर्ग का पंचम अक्षर न हो तो न को ण में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे रिधन न, यहाँ पर रि है यहाँ न है, तो रि किस में परिवर्तित हो जाएगा? अणे में। किस में परिवर्तित हो जाएगा? अणे में। फिर विषधन नु, अब यहाँ पर श है, मूर्धन्य ष है, इस मूर्धन्य ष के बाद में न आ रहा है, तो न किस में परिवर्तित हो जाएगा? अणे में। ठीक है, फिर देखिए प्रधन न, तो प्र में र है और इसके बाद में न है, तो न किस में परिवर्तित हो जाएगा? अणे में। फिर कृषि धन न, वही मूर्धन्य ष है, मूर्धन्य ष के बाद में न है, तो क्या हो जाएगा? कृष्ण। क्या हो गया ये? कृष्ण। फिर देखिए कृषि धन न, तो वही चीज, क्या हो गया ये? कृष्ण। क्या हो गया? कृष्णा, कृष्णा यानी प्यास। परिधन नाम, तो परि यहाँ पर क्या है? र में ई है, ई है, तो यहाँ पर छोटी ई, छोटी ई के बाद में न आ रहा है, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? अणे में। क्या हो गया? परिणाम। क्या हो गया? परिणाम। आगे देखिए प्रधन ने, क्या हो गया? प्रणय। न को किसमें परिवर्तित किया? ण में। क्यों? क्योंकि प में क्या है? र है। प में क्या है? ये र है। फिर परिधन ने, यहाँ पर भी छोटी छोटी के बाद में न आ रहा है, तो ये क्या हो गया? न हमारा परिवर्तित हो गया अणे में। फिर देखिए क्रीधन न, वही चीज, क्री के बाद क्री में क्या है? री। क्री में क्या है? क में री की मात्रा लग रही है, तो ये न है, किसमें परिवर्तित हो जाएगा? अणे में। किसमें परिवर्तित हुआ? अणे में। फिर देखिए त्रिधन न, त्रिधन न, तो त में क्या है हमारा? री। हम अगर त में र होता है तो ये त्र हो जाता है, त में यदि र होता है तो ये त्र हो जाता है, लेकिन यहाँ त में क्या है? री, तो ये क्या हो गया? त्रि। त्रि में न जुड़ा तो क्या हो गया? ये तृण। क्या हुआ? तृण, तृण यानी तिनका। ठीक है, ये था हमारा नियम नंबर 6। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले नियमों को, व्यंजन संधि के अगले नियमों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। धन्यवाद।